दोस्तों, मैंने कल आप लोगों को बताया था कि जब आपको ज़रूरत हो तभी आप इस लॉकडाउन में घर से बाहर निकले, जैसे कि आपको राशन लेना हो, दवा लेना हो या फिर किसी घर के सदस्य का तबीयत खराब हो। लेकिन अगर आप इन आवश्यक सेवाओं को लेने के लिए घर से बाहर निकलते हैं और अगर इसके लिए पुलिस आपको बेवजह पीटती है तो यह सरासर गलत है। आप उस पुलिस अधिकारी की शिकायत एप्लीकेशन के माध्यम से जिले के SSP को करें। तो मेरे कल एक व्यूअर ने कमेंट में बोला कि आप बताइए कि जिले के SSP को एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि आप एप्लीकेशन के माध्यम से किसी भी पुलिस अधिकारी की शिकायत कैसे कर सकते हैं। क्योंकि अगर आज आप थाने में जाते हैं या फिर SSP कार्यालय जाते हैं, अगर आप अपनी समस्या को लेकर वहाँ जाते हैं तो पहले आपको वहाँ बोला जाएगा कि आप एक एप्लीकेशन लिख कर दें। तो दोस्तों, एप्लीकेशन लिखने आना बहुत ही ज़रूरी है। अगर मान लेते हैं कि आपके घर के किसी भी सदस्य का तबीयत खराब है और आप दवा लेने जा रहे हैं और सड़क पर आपको पुलिस रोक लेती है, आपके साथ गाली गलौज करती है और आपको बुरी तरह पीट देती है और फिर आपको झूठे केस में फंसाने की धमकी भी देती है। दोस्तों, जब आप पुलिस के पास जाते हैं, आपको पुलिस रोड पर रोक लेती है और आपको आभास हो जाता है कि वो आपके साथ मारपीट कर सकती है, तो अगर संभव हो तो आप ऑडियो या फिर वीडियो अपने फ़ोन से कैप्चर कर लें। फिर आपके साथ जहाँ पर घटना होता है उस घटना स्थल का क्या नाम है आप जान लें। फिर हर पुलिस अधिकारी के बैच पर उसका नाम लिखा होता है, आप उसका नाम भी अपने दिमाग में रख लें। फिर आपके साथ जिस स्थान पर घटना होता है, हो सकता है कि वहाँ पर CCTV कैमरा लगा हो, क्योंकि कई स्थानों पर CCTV कैमरा लगा होता है। फिर आप 100 नंबर पर डायल करें और अपनी सारी बातें बताएं। आप जो 100 नंबर पर डायल करते हैं उसकी कॉल रिकॉर्ड करके अपने पास सबूत के तौर पर रख लें। फिर आप थाने जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराएं और उस पुलिसकर्मी के खिलाफ़ FIR दर्ज करवाएं। लेकिन अगर आपके शिकायत करने के बावजूद भी आपको थाने से भगा दिया जाता है, आपकी कुछ भी नहीं सुनी जाती है, तो फिर आप जिले के SSP को एप्लीकेशन लिखें। तो दोस्तों, अब आइए मैं आप लोगों को एकदम आसान तरीका बताता हूँ जिससे कि कोई भी आदमी आसानी से जिले के SSP को एप्लीकेशन लिखकर ऐसे पुलिसकर्मी की शिकायत कर सकता है। दोस्तों, सबसे पहले आप ऊपर में लिखेंगे सेवा में, फिर उसके नीचे आप लिखेंगे श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय पटना, मैंने यहाँ अपने ज़िले का नाम लिखा है, आपके ज़िले का नाम जो भी है आप लिख लें। फिर उसके नीचे मैंने विषय लिखा है कि आप जिले के SSP को एप्लीकेशन क्यों दे रहे हैं, मैंने यहाँ लिखा है पुलिस द्वारा मारपीट की शिकायत हेतु। फिर नीचे आप लिखें महोदय और उसके नीचे लिखें निवेदन यह है कि मैं खाजपुरा पटना थाना हवाई अड्डा का निवासी हूँ, दिनांक 17/4/2020 को शाम 5 बजे के करीब मैं दवा लेने अपने घर खाजपुरा से राजा बाजार की ओर जा रहा था, क्योंकि मेरे दादाजी की तबीयत ठीक नहीं थी, उन्हें 102 डिग्री बुखार था, जिसकी वजह से मुझे मजबूरी बस अपने घर से बाहर निकलना पड़ा। इसी बीच असियाना मोड़ पर कुछ पुलिसकर्मियों ने मुझे रोक लिया, मैंने अपनी समस्या उनको बताई, इसके बावजूद भी उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी, उन्होंने मुझे भद्दी भद्दी गालियाँ दी और बुरी तरह से मेरी पिटाई भी की। फिर वे मुझे झूठे केस में फंसाने की धमकी देने लगे। फिर वहाँ से मैं थाने गया और उनकी शिकायत की, लेकिन वहाँ से भी मुझे डांट कर भगा दिया गया। फिर आप नीचे थोड़ा सा स्पेस दें और फिर नीचे से लिखें, अतः मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूँ कि आप अपने स्तर से पूरे मामले की जांच करवाएं और हवाई अड्डा थाना अध्यक्ष को FIR दर्ज करने का निर्देश दें। फिर आप नीचे लिखें प्रार्थी, अपना नाम लिखें, पता लिखें और अपना मोबाइल नंबर दें। तो दोस्तों, आप एप्लीकेशन के साथ साथ अगर आपके पास कोई भी प्रूफ है तो आप वो भी दें, या फिर आपने जो 100 नंबर पर डायल किया था उसका ऑडियो क्लिप भी एप्लीकेशन के साथ दें। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और आप अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।